द लोकल एक्सप्रेस देखने वाले सारे भाई ने राम राम। दोस्तों मैं प्रदीप संधू भाई, अब मैं हूँ उचाणा में और उचाणा के नेशनल हाईवे 352 पर जो भाई जींद टू नरवाना है उसके ऊपर देखो किसानों ने पीछे यहाँ पर टेंट लगा के और रोड जाम कर दिया। जो किसानों का ऐलान था भाई 27 सितंबर को भारत बंद रहेगा, तो उसी के तहत देखिए किसानों ने रोड जाम कर दिया है और आसपास की पूरी मार्केट है जो बंद है किसानों के समर्थन में, भारत बंद के समर्थन में। देखिए जो पूरी की मार्केट है चारों तरफ बंद है, उस साइड दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए जो पूरी मार्केट है पूरी की बंद है और देखिए किसान है जो यहाँ पर बैठ गए हैं। तो आइए जो यहाँ पर किसान नेता है उनसे हम लोग बातचीत करेंगे भाई, भारत बंद से किस तरह से सरकार पर असर रहेगा और जो 3 कानून जो कृषि पर लेके आई थी सरकार और जो MSP पे लिखित में लगातार किसान आंदोलन पिछले 9-10 महीने से चल रहा है और इनकी मांग है किसानों की, तो सरकार पे किस तरह से असर रहेगा, तो उसी को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। आइए जो किसान नेता उनसे बातचीत करेंगे। प्रधान जी, आज जो किसानों का ऐलान था भारत बंद रहेगा और आप लोगों ने बंद भी कर दिया है, असर भी देखने को मिल रहा है, पूरी मार्केट बंद है, तो जो भारत बंद का सरकार पर किस तरह से असर रहेगा? ये तो आम जनजीवन पर ही प्रभावित है आसपास देखा जाए तो। ऐसा है कि आम जनता को परेशान करने का मोर्चे का कोई इरादा नहीं है जी। कोई भी ज़रूरी कोई मेडिकल का केस है, एम्बुलेंस है या कोई ब्याह शादी की है, कोई बीमार है, कोई दवाई लेने वाला है, उन सबको जाने की छूट दी है जी। बशर्ते कि मतलब ये तसल्ली हो कि ये इस काम के लिए जा रहे हैं। बाकी तो बंद का मतलब ये भी है कि ये जो मोदी की सरकार ये कहती है कि यह आंदोलन उत्तरी भारत में है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो आज वो देख लेंगे पूरे देश के अंदर कि ये पूरे देश का आंदोलन है, इसका मकसद यही है और इसीलिए ये 4 बजे तक का बंद किया है ताकि कोई ज़रूरी काम वाला है तो 4 बजे के बाद जा सकता है, सुबह 6 बजे से पहले जा सकता था जी। जो पिछले 10 महीने से लगातार आप लोगों का आंदोलन चल रहा है किसान आंदोलन और खबरें आ रही कि जो सरकार MSP लिखित में दे सकती है UP में चुनाव से पहले, तो क्या किसान बस MSP से ही मान जाएंगे? ऐसा है, ये तो एक सपोजिशन कर लो मतलब जी। कि मान लो मूलधन सो जैसे सवाल नहीं आते थे, यही है सरकार क्या करेगी, जब तक ये काले कानून वापिस नहीं होंगे ना तब तक MSP का भी अर्थ कुछ नहीं है। MSP आज भी है लेकिन आप यहाँ उचाणा की मंडी में देखो, जींद की भी देखो, नरवाणा की यहाँ लोकल देखो, हर बार धान की फसल के अंदर 200 रुपये कम पे बेचना पड़ता है। जब सरकारी खरीद नहीं होगी, भंडारण नहीं बचेगा, FCI नहीं बचेगी, तो MSP का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा ना। और MSP भी वो किसको कहते हैं, अभी 4 साल से मोदी झूठ बोल रहे हैं इस बात के लिए, वो तो कह रहा था ना कि 22 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, आज हालत आपके सामने है, दुगनी तो छोड़ो जो थी वो भी नहीं बची है, क्योंकि खेती में प्रयोग होने वाली जितनी चीज़ें हैं, खाद, बीज, दवाई, तमाम के रेट बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और डीजल ने तो सारी सीमाएं पार कर दी हैं, तो इस हालत में खर्चे तो बढ़ गए और भाव बढ़ाए नहीं, क्योंकि जो MSP का फार्मूला है तय करने का, वो भी जो किसान मोर्चे की मांग है वो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक है जी। और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग का फार्मूला ये था कि किसी भी किसान का जो खर्चा होता फसल के ऊपर, यानी ज़मीन के ठेके से लेकर के खाद, बीज, दवाई, उसकी अपनी मेहनत और मंडी तक ले जाने का जो खर्चा है, ये तमाम जोड़ा जाए जी। जिसको C2 का फार्मूला कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंप्रीहेंसिव कॉस्ट, यानी हर प्रकार के खर्चे को जोड़ा जाए, उसके आधार पर फसल का रेट तय किया जाए। मान लो 1 क्विंटल पैदा करने में अगर 200 रुपये का खर्चा आता है किसी भी फसल को जी, तो 50% जोड़ करके उसको 300 रुपये क्विंटल अगर देंगे तो किसान बचेगा, वरना नहीं बच सकता जी। और सर जो दुष्यंत चौटाला है यहाँ उचाणा से, उनका बयान आया है कि अगर सर किसानों की MSP जाएगी और ज़मीन जाएगी तो मैं, मेरे जितने भी मंत्री हैं, जितने MLA सभी के साथ इस्तीफा दे दूंगा, तो आप लोगों का उसके बयान पर क्या कहना है? ऐसा है कि दुष्यंत चौटाला तो राज में बैठ के मलाई चाट रहा है, ना उसने किसानों से लेना देना, ना कोई मतलब है, बयानबाजी कर रहा है और वो इस्तीफा दे दे ना दे दे, इस्तीफा वो क्यों दे देगा, हम पहले दिन से कहने लग रहे हैं ये इस्तीफा बिल्कुल नहीं देगा जी। क्योंकि इसने पहले जनता के साथ जितना भारी धोखा किया है, जिसका उदाहरण देखने को नहीं मिलता, कोई MLA पार्टी बदल जाता, छोड़ जाता, लेकिन इसने तो BJP के खिलाफ वोट लेकर के इस पूरे इलाके के साथ जो धोखा किया है, इसको कभी ये इलाका भूल नहीं सकेगा। और ये कोरी बकवास कर रहा है, वो कोई इस्तीफा नहीं देगा, ना उसके कोई बस की बात है, वो तो राज में जा करके अपने पैसे कमाने के ऊपर लगा हुआ है, इससे न्यारा कोई धेय नहीं है उसका।
ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। देखो भाई, जो भारत बंद है उसी के तहत देखिए, जो नेशनल 352 है हाईवे, उसको जाम कर दिया है। इस साइड देखिए बैरिकेड लगाई गई है और बाइक और जो गाड़ियां हैं वो रोकी जा रही हैं लगातार किसानों के द्वारा। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।